अपोजिशन को एक पैगाम देना चाहता हूँ, आप अमरीका की दलाली छोड़ दें, अमरीका अपनी औकात में रहें, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और किसी की गुलामी कभी नहीं करेगा। और ये मैं अपोजिशन को वाज़े पैगाम देना चाहता हूँ, जिसने भी पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अवाम का बुरा सोचा, हम उसको पाकिस्तान में रहने नहीं देंगे। अगर शहबाज शरीफ तुम में हिम्मत है, तुम में गैरत है, तुम इलेक्शन में हो, हम आपको बता देंगे। आपको डीजी खान के अवाम ने जलील करके भेजा। और अवैद लगारी, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, अवैद लगारी तुम्हारे बाप को नवाज शरीफ ने अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाला बोला। अगर तुमने माँ का दूध पिया है अवैद लगारी, तुमने माँ का दूध पिया है, असल फरूक लगारी का बेटा है, तो इन शरीफ खानदान का साथ छोड़ दे, तुम उनकी दलाली करना छोड़ दे। अवैध लगारी, मैं तुमको ये पैगाम देना चाहता हूँ, हिम्मत करो, अब जनूबी पंजाब के लोगों का साथ दो, अपर पंजाब की गुलामी छोड़ दो। अगर अवाम की, डीजी खान के अवाम की भलाई चाहते हो, इन बगैरतों का टोला छोड़ दो। इन लोगों ने कहा अवैध लगारी तुमको वजीर आला बनेंगे, अवैध लगारी तुमको ये चपड़ासी भी नहीं बनाएंगे, ये याद रखना मेरी बात। और हर घर से इमरान खान निकलेगा और हर घर से अमरीका गुलामी से निजात दिलाएगा इमरान खान। हम इमरान खान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे, जो कुछ भी हो जाएगा। अगर किसी ने इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश करने की दोबारा कोशिश की, हम उस जगह को नर्क बना देंगे, ये याद रखना। अभी तक हम में वो जज्बात है तो हमारे जुनून का मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकता। और अमरीका अमरीका, मैं तुमको एक पैगाम देना चाहता हूँ, जैसे अफगानिस्तान में आपको जलील होकर बाहर निकलना पड़ा और पाकिस्तान उससे दो दर्जा ज्यादा तुमको जलील करके बाहर निकालेगा इंशाल्लाह।